कैसे तीन राज्यों में बीजेपी की जीत 2024 के चुनावों की इमेज क्लियरली नहीं दिखाती है। पूरे क्षेत्र को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया गया है। कैसे 2024 केवल एक चुनाव नहीं, एक सिविलाइजेशनल वॉर, एक सांस्कृतिक युद्ध है। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहाँ दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। कैसे 2024 के चुनावों में रखे जा रहे विभाजनकारी मुद्दों की सफलता का दंश 2075 के भारत को झेलना पड़ेगा। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, और हम याद रखेंगे। क्यों 2024 में विभाजनकारी मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, कैसे इन मुद्दों पर नकारात्मक सोच और इन्हें इग्नोर करना इतिहास में अनेकों सभ्यताएं खा चुका है, और कैसे भारत के लोगों ने इस राजनीति पर करारा प्रहार किया है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चौबीस के चुनाव मात्र चुनाव ना रहकर एक सिविलाइजेशनल वॉर में प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसे जानने के लिए कल के चुनाव नतीजे और उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखना पड़ेगा। पांच राज्यों में तीन बड़े राज्य हैं, जिनमें से दो राजस्थान और छत्तीसगढ़। जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। ये कांग्रेस के लिए बड़े चिंतन का विषय है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने सबसे अधिक दिन मध्य प्रदेश में ही बिताए थे। रिजल्ट क्या हुआ, यात्रा तो छोड़ो, गाली गलौज तक का भी लाभ नहीं हुआ। पनौती पीएम मतलब पनौती मोदी। वहीं राजस्थान, जहां जमी जमाई सरकार थी, दुनिया भर के फ्रीबी स्कीम्स थी, राहुल गांधी ने वहां कई रैली की, उनमें से भी प्रीडोमिनेंटली फोकस मेवाड़ पर रहा। रिजल्ट क्या रहा, राजस्थान भाजपा जीत गई। मेवाड़ में 28 सीट है जिसमें से 17 भाजपा जीत गई, मात्र 7 सीट कांग्रेस के हाथ लगी। उधर छत्तीसगढ़ भी, जहां कोई सोच तक नहीं रहा था कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है, वो भी कांग्रेस के हाथ से निकल गया। कभी जीते हैं, मेडल जीते हैं कि नहीं लगते हैं? गांव के सदस्य जीते थे। हाँ, जीते थे। You are a winner there also. हाँ? यानी केवल राजनीति नहीं, लट्टू। राजस्थान की ओबीसी गुजर कम्युनिटी ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। जातिगत जनगणना का मामला धराशाही हो गया। ले देकर तेलंगाना में कांग्रेस जीती, उसमें भी केसीआर से, भाजपा से नहीं, क्योंकि भाजपा का तो वहां कोई अस्तित्व ही नहीं था। फिर भी भाजपा पिछली बार के 7% वोट शेयर से बढ़कर 14% वोट शेयर पर पहुंच गई, एक सीट से बढ़कर 8 सीट पर पहुंच गई, और यहां तक कि केसीआर को बीजेपी के उम्मीदवार ने बटकनी दी। कांग्रेस के आचार्य प्रमोद ने कहा, यह सनातन का श्राप है जो ले डूबा है। मेल्टडाउन भी भयंकर रूप से दिखा। जो लोग चुनाव से पहले कांग्रेस को चुनावी हिंदू बनने की सलाह दे रहे थे कि हिंदुत्व का दबाव भारत की राजनीति पर इतना है कि आप एक आदर्शवादी, एक आइडियलिस्टिक पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, और थोड़ा सा इधर भी खुश करना पड़ेगा, एक बार चुनाव जीत लेते हैं तो सेक्युलर पॉलिटिक्स करेंगे, क्या इस समझौते में कोई दम? वैसे यही बात दूसरे शब्दों में आरफा खानम शेरवानी पहले भी कह चुकी हैं, जब सीएए के समय में उन्होंने कहा था कि हमें केवल स्ट्रेटेजी बदलनी है, आइडियोलॉजी नहीं। आज उन आरफा खानम शेरवानी का कतई मेल्टडाउन हो रहा था। मैं बात करना चाहती हूँ, ये चीज जो मैं समझ में नहीं आ रही, कहा जाता है जब समझ में ना आए तो क्या है इसका मतलब, वो प्यार है। व्यक्ति जिसकी शक्ल सूरत अच्छी ना हो, उसके पास कोई अच्छी नौकरी भी ना हो, और वो लड़की उसके प्यार में पड़ जाती है, पूछते हैं लोग इसमें क्या देखा, तो प्यार है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, जिसको अतुल कह रहे थे कि मामा के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं, मैं कहती हूँ कि भारत में अब चुनाव रवीश कुमार के अनुसार शिवराज ने मोदी को हराया और कमलनाथ ने राहुल को। बेसिकली रवीश जी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी की छवि तो बहुत तगड़ी है, वो तो कमलनाथ ने सॉफ्ट हिंदुत्व खेल कर मध्य प्रदेश हरवा दिया। वहीं मोदी से तो लोगों का मोह भंग हो चुका है, वो तो शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश जितवा दिया। पर चलिए, सबकी अपनी अपनी एनालिसिस है, आगे चलते हैं। लेकिन इन नतीजों के बाद जो सबसे प्रचंड रूप से दिखा वो था नॉर्थ और साउथ का डिवाइड। वी ड्रविडियंस ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया बना दिया। बीजेपी फ्री साउथ का नैरेटिव गूंज रहा था। साउथ विल रिमेन एन इंडिपेंडेंट किंगडम का भी नारा लगाने वाले बहुत थे। साउथ ने भाजपा को रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि एजुकेशन मैटर्स। डिबेट्स में कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स इस प्रकार की बातें करते हुए दिख रहे थे। इट इज अबाउट द लैक ऑफ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अ सदर्न पार्ट ऑफ दिस कंट्री। और ये पॉलिटिक्स हमें 1977 में लेकर जाती है, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, और उसके बाद जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस नॉर्थ से वाइप आउट हो चुकी थी और साउथ में सिमट कर रह गई थी। पर ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिटिक्स है,
आज इतनी बड़ी क्यों हो रही है और इसके अलावा कौन सी डिवाइसिव स्ट्रेटजीज चुनावों में अपनाई जा रही हैं और कैसे ये एक सिविलाइजेशनल वॉर बनती जा रही है, वो आगे देखते हैं। उत्तर भारत के लोग अनपढ़ हैं और दक्षिण भारत के लोग शिष्ट। उत्तर भारतीय जॉब करने के लिए साउथ में भागते हैं और अपने स्टेट में इन्हें हिंदुत्व चाहिए, गोबर बेल्ट, गौमूत्र पीने वाले गंवार, होपलेस जैसे अनेकों शब्द इलेक्शन रिजल्ट के बाद यूज किए गए हैं। कारण केवल उस रिजल्ट का ना आना है जो ये लोग चाहते थे। ये नैरेटिव कितना घातक है ये एक उदाहरण से दिखाता हूँ। द वायर के फाउंडर एम के वेणु ने कहा कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया जैसे आइडियाज पर डिबेट होनी चाहिए जो दिल्ली को झुका सके। 2017 में एग्जैक्टली यही आर्टिकल पाकिस्तान की defense.pk में छपा था। शर्मनाक बात यह थी कि इस पूरे नैरेटिव में इंटरनेट के ट्रोल्स या फिर केवल कुछ ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इसमें शामिल थे। क्या ये नॉर्थ साउथ डिवाइड इंडी अलायंस का 2024 के इलेक्शंस में जाने का प्लान है? कोई भी लॉजिकल सेन पॉलिटिशियन ऐसा करने में 50 बार सोचेगा, पर इंडी अलायंस 2024 इलेक्शंस में डिवाइड एंड रूल की राह अपना चुका है और ऐसा उनके द्वारा किए गए कुछ कोर डिसीजन से दिखता है। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार की सरकार ने जातिगत जनगणना का डेटा रिलीज किया जो कि बिहार का डेटा था। इसमें बताया गया कि बिहार में कितने प्रतिशत यादव, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कुर्मी, तेली, बनिया या अन्य जातियां हैं। ये अत्यंत ही विभाजनकारी कदम था क्योंकि 1947 में स्वाधीनता के बाद 1951 से 2011 तक जितनी भी जनगणनाएं करवाई गई हैं भारत में उनमें जाति के आधार पर जनगणना कभी नहीं हुई थी। ये कार्य अंग्रेजों के समय किया जाता था 1931 के सेंसस तक, क्योंकि ब्रिटिश काल में भारतीय लोग डिवाइडेड रहे, ये उनकी एक रिक्वायरमेंट थी। 10 अक्टूबर 2023 को राहुल गांधी ने कहा कि कास्ट सेंसस वो एक्सरे है जिससे हम ओबीसी समाज की प्रॉब्लम्स पता चल जाएंगी और हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे। ये कैंपेन राहुल गांधी की ओर से फुल टाइम चलाया गया स्टेट इलेक्शन से पहले। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग द कास्ट सेंसस। नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? सितंबर 1932 में कांग्रेस पार्टी के ही महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए थे क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा कास्ट के नाम पर मतदाता तैयार किए जा रहे थे और उनके अनुसार ये घातक था। आज वही कांग्रेस इसे देश की प्राइम आवश्यकता बता रही है। पर लोगों को तोड़ने का केवल यही एक तरीका नहीं अपनाया गया है। स्टेट इलेक्शन से जस्ट पहले इंडी अलायंस के एक बड़े नेता का बयान आया था कि सनातन धर्म डेंगू के मच्छर की तरह है, जैसे मच्छर को खत्म किया जाता है वैसे ही सनातन को भी खत्म कर देना चाहिए। सैडली ये केवल शब्द नहीं है जो हीट ऑफ द मूवमेंट में कहे गए। सनातन का खात्मा एक पॉलिसी रही है जिसे कई बार रिपीट किया गया है और इसका एक लंबा इतिहास है। ये इतिहास थोड़ा आगे देखेंगे, पर अब आप बड़ी पिक्चर देखिए। नॉर्थ साउथ डिवाइड, सनातन को खत्म करने की बातें, लोगों को जाति के आधार पर बांटकर एक नई लड़ाई शुरू करवाना और ये कहना कि देश में 75% तक रिजर्वेशन कर दिया जाएगा, क्या ये सब किसी सिविलाइजेशनल वॉर से कम है? इनफैक्ट ऐतिहासिक रूप से इतना डिवाइसिव एजेंडा किसी इलेक्शन में ही शायद रहा हो। बस यही कारण है कि 2024 भारत के लिए एक सिविलाइजेशनल वॉर हो जाता है। क्या ये भारत में पहले भी हुआ है और कैसे दुनिया से सिविलाइजेशन लुप्त हो गई हैं यदि ऐसी चीजों का जवाब ना दिया जाए तो, वो आगे देखते हैं। विश्व में कई सिविलाइजेशंस थी जो अब विलुप्त हो गई हैं। ग्रीस, यहाँ ग्रीक सिविलाइजेशन पनपी, बड़ा आकर्षक कार्य कर रहे थे यहाँ के लोग। प्लेटो, एरिस्टोटल, हेराक्लाइडस इत्यादि 7 लोगों ने मिलकर एक एकेडमी खोली, नाम दिया नियोप्लेटोनिक एथेनियन स्कूल। एकेडमी के बाहर लिखा हुआ था जो भी कोई ज्योमेट्री को इग्नोर करता है वो अंदर ना घुसे। आगे लिखा था यदि आप ज्योमेट्री को इग्नोर करते हो तो इसका अर्थ है आप लॉजिक को इग्नोर करते हो और इसीलिए आपको फिलॉसफी समझ में नहीं आएगी। प्लेटो ने एक कोर्स डिजाइन किया था जिसका नाम था द रिपब्लिक, जिसमें अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, म्यूजिक और एस्ट्रोनॉमी इनकी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन फिर एक रोमन एम्परर आया, जस्टिनियन प्रथम, इन्हें क्रिश्चियनिटी फैलाने का भूत सवार था। ये ग्रीस के इस पेगन लैंड पर आया और आते ही सबसे पहले इन्होंने इस एकेडमी को बंद कराया। प्लेटो, एरिस्टोटल और इनके साथ के अन्य मित्र वहां से पर्शिया भाग गए, जहां अभी भी पेगन्स रहते थे। लेकिन फिर पर्शिया में भी इस्लामिस्ट्स ने अटैक कर दिया
और वहां भी इस्लाम की स्थापना हो गई। वो विश्व की वन ऑफ द बेस्ट अकेडमी समाप्त हो गई। वो पेगन्स जो वहां पर रहते थे विलुप्त हो गए। वो ग्रीक सभ्यता को क्रिश्चियनिटी और इस्लाम निगल गए। एक ग्रीक पेगन स्कॉलर ने लिखा था, हम सभी एक जैसे तारे साझा करते हैं, एक ही आकाश को साझा करते हैं, एक ही विश्व हमें घेरता है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि हम कौन सा रास्ता अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए अपनाते हैं। लेकिन दूसरी ओर सेंट अगस्टीन ने लिखा, इन पेगन्स का और इनके अंधविश्वास का अंत ही गॉड को चाहिए, और यही गॉड कहता है और यही गॉड का निर्देश है और यही हमें करना है। दो सभ्यताएं, एक की सबको समाहित करने की बात, परंतु दूसरे की उसी सभ्यता को समाप्त करने की बात। दूसरी ने पहली निगल ली। अब इसे भारत की परिदृष्टि से देखते हैं। हिंदू सभ्यता का कहना है, एकम सत विप्रह बहुधा वदन्ति, अर्थात एक सत्य तक पहुंचने के अनेकों मार्ग हैं। बिल्कुल वही जो ग्रीक पेगन स्कॉलर ने कहा था। दूसरी ओर भारत में विद्यमान कुछ रिलीजन्स और उनको पक्ष देते हुए कुछ पॉलिटिशियंस बात करते हैं एक रिलीजन के, सनातन के अंत की। बिल्कुल सेम सिचुएशन जो ग्रीक्स ने फेस की, आज उसी में हम हैं। न्यू प्लेटोनिक अथीनियन स्कूल के अंतिम स्टूडेंट ने लिखा, ये जो हुआ ये ऐसा नहीं था कि कोई संघी राजा आया और उसने एग्जोडस कर दिया, लोगों को मार दिया। नहीं, ये मात्र प्लूरलिस्ट्स के लिए हेट थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जिस गॉड को वो मानते हैं वही एकमात्र गॉड है। और ये मात्र ग्रीक सिविलाइजेशन के साथ नहीं हुआ। भारत से थोड़ा ही दूर चलते हैं अफगानिस्तान। प्रथम और द्वितीय शताब्दी में अफगानिस्तान में बौद्ध पंथ का विस्तार होना प्रारंभ हो गया था, और देखते ही देखते काफी बौद्ध भिक्षु और संत वहां पर हो गए थे। चीनी ट्रेवलर्स ने हजारों हजार बौद्ध भिक्षुओं की बातों को अपने उस समय की पुस्तकों में स्थान दिया था। परंतु गंगेज खान से लेकर तालिबान तक अफगानिस्तान में आज ना कोई बौद्ध बचा और ना ही कोई बौद्ध मूर्ति। बामियान बुद्धा की मूर्ति तो आजकल के समय में ही गिराई गई है। उधर से लेबनान की कहानी तो बिल्कुल भारत की कहानी से मिलती जुलती है। लेबनान एकमात्र क्रिश्चियन बहुल देश पूरे मिडल ईस्ट में था। मिडल ईस्ट की एकमात्र डेमोक्रेसी था लेबनान। फिर उन्होंने मुस्लिम रेफ्यूजीज को अपने देश में स्थान दिया, और कुछ दशकों में जब मुस्लिम क्रिश्चियन पॉपुलेशन के बराबर हो गई या ऑलमोस्ट बराबर हो गई, तो वहां सिविल वॉर शुरू हुई, और उसका रिजल्ट आज ये है कि लेबनान आज एक इस्लामिक देश है। लेबनान के पड़ोस में ईरान, उसकी बात करते हैं। ईरान में ज़ोरास्ट्रियंस हुआ करते थे, फिर ईरान में इस्लाम की एंट्री हुई। आज पूरे ईरान में ज़ोरास्ट्रियंस नहीं है, पूरा देश इस्लामिक बनाया गया। ज़ोरास्ट्रियंस ईरान में नहीं मिलते, थोड़े बहुत कुछ भारत में मिलते हैं। भारत ने ही उन्हें संरक्षण दिया था, आज थोड़े बहुत पारसी आपको यहां पर मिल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नेटिव ऑस्ट्रेलियंस या एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस, यानी वो जो वहां के मूल निवासी थे, उन्हें ऑलमोस्ट इरेडिकेट ही कर दिया गया, और आज जो थोड़े बहुत नेटिव ऑस्ट्रेलियंस वहां मिलते हैं उन तक को स्टरलाइज करने की बातें होती हैं। अमेरिका में स्पेनिश और पुर्तगालियों ने 90% नेटिव अमेरिकन्स, जिन्हें रेड इंडियंस बोलते हैं, उन्हें वाइप आउट कर दिया था। कनाडा में जाओ तो नेटिव कैनेडियंस को वाइप आउट कर दिया गया था, और इसके लिए अभी कुछ समय पहले चर्च ने वेटिकन सिटी से माफी भी मांगी थी। और ये कहानी आपको अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक हर जगह मिलेगी, और ऐसा करने के पीछे का कारण भी आपको हर जगह ऑलमोस्ट सेम सा ही मिलेगा। कितनी ही सिविलाइजेशंस ऐसे समाप्त कर दी गई हैं, हमें उसका पता भी नहीं है। पाकिस्तान की क्रिएशन के पीछे भी कुछ यही कहानी थी। जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान एक सेपरेट सेंटर फॉर इस्लाम बनना चाहिए, जहां हमें नॉन मुस्लिम्स की शक्ल देखने को ना मिले, और इसीलिए जिन्ना ने हिंदुओं को थॉर्न्स ऑफ हिंदुस्तान कहा था। ये जो इतनी सब सिविलाइजेशंस का अंत हुआ, या फिर भारत में हिंदुओं के अगेंस्ट इस पूरे तंत्र को कैसे जस्टिफाई किया जाता है, या इसे कैसे लेजिटिमाइज किया जाता है, वो आगे देखते हैं। आज भारत में जो राजनीति हो रही है, यानी कि जाति के नाम पर डिवीजन, क्षेत्र के नाम पर डिवीजन, या फिर सनातन को समाप्त करने जैसी बातें, इन सारी राजनीति का एंड गोल वोटों का डिवीजन करके सत्ता में आना है। और वो डिवीजन भी बहुसंख्यक समाज का, क्योंकि आपको कोई भी शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, पसमंदा, अशराफ जैसे शब्द प्रयोग करता नहीं दिखेगा। पर जब कोई भी दल इस प्रकार से सत्ता में आता है तो उसका दीर्घकालिक परिणाम केवल एक होता है, विभाजन, दंगे, बर्बादी। कैसे सत्ता में आती हैं ये विभाजनकारी शक्तियां? इसका एक प्रोसेस होता है। पहले एक टारगेट ढूंढा जाता है, फिर उस टारगेट के प्रति हेटफुल बातें बोली जाती हैं और उसे रिलीजियस एक्सप्रेशन का नाम दे दिया जाता है। फिर टारगेट के ऊपर वायलेंस शुरू किया जाता है।
टारगेट जब अपना डिफेंस करता है तो उसे काउंटर हेट कहा जाने लगता है, और इसके बाद इसी हेटफुल नैरेटिव को एक नरसंहार में बदल दिया जाता है। इसे हेट का वेपनाइजेशन कहते हैं, और वेपनाइजेशन से पहले का स्टेप होता है इसी हेट को लेजिटिमेट बनाना। जब यह लेजिटिमेट हो जाता है तो सनातन को समाप्त करने जैसी बातें भी लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर नहीं करती। कैसे बनाया जाता है इसे लेजिटिमेट? पुराने समय में केवल इतना कहना पर्याप्त था कि यह रिलीजियस किताब में लिखा हुआ है। आज थोड़ी भूमिका बनानी पड़ती है। कैसे बनती है ये भूमिका? सनातन को समाप्त करने वाले जो उदाहरण है ना, उसी से देखते हैं। सनातन को समाप्त करने की बात केवल इंडिया अलायंस के डीएमके ने नहीं कही है, कांग्रेस लीडर्स के बयान सुनिए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। Any religion that does not promote equality is not a religion according to me. यानी कि यहाँ तक कहा जा चुका है कि मोदी ही सनातन है और सनातन को समाप्त करना है इसीलिए मोदी को समाप्त करना है एंड वाइस वर्सा। परंतु चलिए छोड़िए, डीएमके का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में कहता पाया गया था कि मैंने अपने क्षेत्र में सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती तीनों के मंदिर तोड़ दिए हैं। ये मुझे वोट नहीं देते पर वोट लेना मुझे आता है। ये एक एमपी का बयान है और तमिलनाडु में सरकार ने इसे नॉर्मल बनाया हुआ है, चाहे मूर्ति बनाने वाली महिलाओं का जीवन नरक बनाना हो। या फिर मंदिरों से मूर्तियां सीज करने के मुद्दे हों। यह सब कहीं से भी उन घटनाओं से भिन्न नहीं है जब रोमन्स ने ग्रीक सिविलाइजेशन के या फिर पेगन्स के मंदिरों को ध्वस्त किया था, पर इस पर चर्चा तक नहीं है क्योंकि नॉर्मल हो चुका है, लेजिटिमेट हो चुका है। पर कैसे? कोर्ट ऑर्डर्स के द्वारा। चलिए इतिहास में चलते हैं। डीएमके जैसी पार्टियों का इतिहास ईवीआर यानी कि ईवी रामासामी के समय तक जाता है। 27 मई 1953 को यही ईवीआर तिरुचिरापल्ली के टाउन हॉल में भगवान गणेश की मूर्ति को खुलेआम तोड़ता है, खंडित करता है। वीरभद्र नाम का एक भक्त इस पर केस कर देता है, हेट स्पीच और रिलीजियस सेंटीमेंट्स की धाराओं में। मद्रास हाई कोर्ट में केस चलता है और हाई कोर्ट अपने जजमेंट में कहता है कि गणेश की प्रतिमा एक गुड्डे या गुड़िया से अधिक नहीं है। क्या बड़ी बात हो गई। केस सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट को फॉल्टी बताता है, पर ईवीआर के किए गए कार्य पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया फुलिश एक्ट। ईवीआर साफ बच निकला और यहाँ से यह सब करना लेजिटिमेट हो गया क्योंकि सबको पता है कि कुछ नहीं होना। ये ईवीआर का हिंदू विरोधी बीज अंग्रेजों के समय बोया गया था जो आज इस स्थिति में दिख रहा है। अब इसी उदाहरण को कश्मीर में रखकर देखिए और सोचिए कि कैसे बात कश्मीर से हिंदुओं के संहार तक पहुंच गई और कैसे ये इतना लेजिटिमेट हो गया कि उस समय इस पर डिस्कशन तक नहीं हुआ। और फिर इन सारी घटनाओं का मूल्यांकन 2024 के चुनाव में जो विभाजनकारी पॉलिटिक्स की जा रही है उससे तुलनात्मक दृष्टि रख कर करिए। क्या 2024 के चुनावों में जो ये पॉलिटिक्स हो रही है 2075 के भारत में संकट के नए बीज नहीं बो रही है? सोच कर देखिए क्यों बोए जाते हैं ये बीज, वो आगे देखते हैं। आज की वोट बैंक पॉलिटिक्स को अंग्रेजों के काल से कंपेयर करते हैं। अंग्रेजों के संरक्षण में चुनाव हुए, भारत के प्रोविंसेस दो प्रकार के थे, एक जहां हिंदू बहुल थे और दूसरे जहां मुस्लिम बहुल थे, और दोनों ही जगह कांग्रेस अच्छी खासी जीत ले गई। फिर जिन्ना सक्रिय होता है और उसने पहचाना कि अनेकों मुसलमान समाज के युवा प्रतिवर्ष ग्रेजुएट तो हो रहे हैं पर उन्हें जॉब्स नहीं मिल पा रही, जिन्ना इसका पूरा का पूरा ब्लेम उनके माइनॉरिटी होने पर डालना शुरू कर देता है। शीघ्र ही जिन्ना के शब्द मुस्लिम युवाओं के मस्तिष्क में ढंग से प्रवेश कर चुके थे। 1943 आता है और जिन्ना ने एक और भाषण दिया जिसकी गूंज वर्षों तक मुसलमानों के कानों में रही। जिन्ना ने कहा, जब मेजॉरिटी प्रोविंसेस में अंधेरा होता है तो माइनॉरिटी प्रोविंसेस ही उन्हें उजाला देते हैं। वो मुसलमानों के प्रोविंस हैं जो मेजॉरिटी के प्रोविंस के लिए सारी सफरिंग उठाते हैं उनके बेनिफिट के लिए, उनके एडवांटेज के लिए। किसी समय सेक्युलर बात करने वाले जिन्ना के भाषण अब पूर्णतः एंटी हिंदू हो चुके थे। इन सभी स्टेटमेंट से गांधी नेहरू बहुत ही कंफ्यूज थे। पूरे कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जिन्ना का क्या करें। गांधी ने कहा, हिंदू मुसलमान एक हैं। जिन्ना ने कहा, हाँ एक तो हैं, बस एक डिफरेंस है, गांधी के पास 3 वोट हैं और मेरे पास मात्र 1। इन सब का प्रभाव यह था कि कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल रही थी, मुस्लिम वोट एकजुट हो रहा था और मुस्लिम वोट्स के एकजुट होने का जो प्रभाव था
इन टर्म्स ऑफ सीट्स वो एग्जैक्टली क्या था वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे भी। पर इस सब के कारण गांधी जो कि कहा करते थे पार्टीशन मेरी लाश पर होगा, उन्होंने पार्टीशन जब हो रहा था तो उस पर एक मूक सहमति दे दी। बात बात पर आमरण अनशन कर देने वाले गांधी जी ने देश के विभाजन के मुद्दे पर अनशन नहीं किया, रादर कुछ भी नहीं कहा। गांधी जी ने विभाजन में ही भलाई समझी, भले ही वो विभाजन लाखों शवों पर क्यों ना हुआ हो। और मुस्लिम वोट्स को कंसोलिडेट करने वाली सेम जिन्ना वाली स्ट्रेटेजी आज के कई लीडर्स अपना चुके हैं। ममता बनर्जी ने खुलेआम मुस्लिम वोटर्स को एड्रेस करते हुए कहा, एक भी वोट इधर उधर मत होने देना, बीजेपी को रोकना है। यही बात टाइम एंड अगेन केजरीवाल ने भी कही, मुस्लिम वोटर्स को एक होकर उनके लिए वोट करना होगा। और इसलिए ये सभी पार्टीज ओवैसी को बीजेपी की बी पार्टी कहती हैं, क्योंकि वो मुस्लिम वोट्स काट देता है और बीजेपी को इससे लाभ हो जाता है। ये सभी पार्टीज आजकल जिन्ना स्ट्रैटेजी पे काम कर रही हैं, इनका एकमात्र ध्येय है कि मुसलमानों के वोटों को एकजुट होकर प्राप्त करना। ममता बनर्जी की ये स्टेटमेंट देखिए, वो कह रही हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर हम सेंटर में बीजेपी को रोकेंगे और बंगाल में कांग्रेस को भी रोकेंगे। पिछली बार केजरीवाल नाराज थे क्योंकि दिल्ली के मुस्लिम समाज ने कांग्रेस को वोट दे दिया। और कमाल की बात यह है, मुस्लिम वोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए इरेडिकेट सनातन धर्म जैसे कैंपेन्स तक को सपोर्ट कर दिया जाता है। रामचरितमानस को एंटी दलित एंटी नारी बोलकर डिवाइड क्रिएट कर रहे जाते हैं, और ये पूरी स्ट्रेटजी जिन्ना वाली है। और अब इसमें नॉर्थ साउथ डिवाइड का तड़का लगाकर इसे और खतरनाक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस पोलराइजेशन का फायदा भाजपा नहीं उठाती हो, या भाजपा दूध की धुली है, वो भी पोलराइजेशन करने में माहिर है और खूब पोलराइजेशन करके अपना फायदा उठाती है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि यदि ये सब कुछ जानते हुए भी हम ना संभले तो भारत के भविष्य के लिए बड़ा ही घातक हो सकता है, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। कैसे वो आगे देखते हैं। मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स एक ऐसा कारण है जो उस आधारशिला को तैयार करता है जिससे देश के देश उजड़ जाते हैं। 1937 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रोविंशियल इलेक्शंस करवाए थे। उस समय चुनावी सीट रिलीजन के आधार पर बटी होती थी। क्या रिजल्ट रहा इन चुनावों में? 1937 में हुए इन प्रोविंशियल इलेक्शंस में यदि केवल मुस्लिम सीट्स के रिजल्ट देखें तो जिन्ना की मुस्लिम लीग केवल 25% सीट जीत पाई थी, कांग्रेस केवल 6% मुस्लिम सीट जीत पाई थी और बाकी लगभग 70% मुस्लिम सीट्स उस समय की रीजनल पार्टीज ने जीत ली थी। यहां से स्पष्ट है कि मुस्लिम वोट्स का एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक नहीं था। जिन्ना ने इसके बाद क्या किया? हर वो प्रोविंस जिसमें मुस्लिम जनसंख्या थी वहां घूम घूम कर मुस्लिम वोट बैंक तैयार किया, सनातन को गाली दे देकर, ये कहकर कि हम इन हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, जिसे आप द पार्टीशन ऑफ इंडिया पॉलिसीज एंड पर्सपेक्टिव 1935 से 1947 नाम की इस पुस्तक के स्क्रीनशॉट में पढ़ सकते हैं। क्या परिणाम हुआ इसका? 1946 में हुए प्रोविंशियल इलेक्शंस में मुस्लिम वोट बैंक तैयार था। पंजाब, बंगाल, मद्रास, मुंबई, सेंट्रल, हर प्रोविंस में मुस्लिम लीग को जीत मिली 90% से अधिक सीट्स के साथ। और इसका परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन। आज क्या स्थिति है? सनातन को गाली देकर लोगों को पोलराइज किया जा रहा है, चुनावों को विभाजनकारी इश्यूज में लेकर जाया जा रहा है। शब्द प्रयोग देख सकते हैं आप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया। इसका परिणाम अत्यंत भयानक हो सकता है। कितने चांसेस हैं ऐसा होने के? राज्यों में हुए चुनावों से पता चलता है कि बिहार में हुए जातिगत जनगणना और ओबीसी कार्ड का छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसे राज्यों में कोई असर नहीं दिखा है। इनफैक्ट ओबीसी वोटर ने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया है, ऐसे रिजल्ट नहीं आता। तो प्रथम दृष्टया तो समझ में यही आता है कि लोग इस डिवाइसिव पॉलिटिक्स में अब नहीं आने वाले। परंतु फिर भी बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह पॉलिटिक्स विश्व में कई सभ्यताओं को समाप्त कर चुकी है और भारत के भी लगभग 30% हिस्से को भारत से काट चुकी है। यह ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जिसे आज बेसिकली भारत के ही लोग भारत पर यूज कर रहे हैं, और इसी कारण 2024 केवल चुनाव नहीं एक सिविलाइजेशनल वॉर है। यदि इस लड़ाई के चक्रव्यूह में अभिमन्यु बनकर लड़ोगे तो लड़ने का यश मिल जाएगा, परंतु मृत्यु निश्चित है और इतिहास इसका साक्षी है। तो लड़ना तो अर्जुन बनकर ही पड़ेगा। यदि आप जीते तो कदाचित ये विभाजनकारी राजनीति का भारत से अंत ही कर दे, और यदि आप हारे तो इतिहास स्वयं को दोहराने में समय नहीं लगाता। आप अपने विचार इस मुद्दे पर हमसे साझा कर सकते हैं कमेंट्स में। शेयर अवश्य करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं छोड़ें। चैनल को सपोर्ट करें patreon.com के माध्यम से और UPI के माध्यम से।
माध्यम से। लिंक, स्कैन कोड और बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा वीडियो अवश्य देखें, जहां आपको और बेहतर जानकारी मिलेगी। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।